एक बुफर है मेरे पास जो लाइन पे बजता है ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो लाइन पे बजता है जैसे इसको लगा कर बजा सकते हैं लाइन पे, लेकिन आज मैं इसको बैटरी से बजाने वाला हूँ। तो चलिए बैटरी से बजा के देखते हैं, यही 12 वोल्ट का बैटरी से बजाने वाला हूँ आज, तो कैसे बजेगा चलिए देखते हैं बैटरी से कैसे बजेगा, इसका कनेक्शन समझते हैं। तो प्लीज़ मेरा वीडियो फुल देखिएगा और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहले अब मैं बजा के दिखा दे रहा हूँ लाइन पे कैसे बजता है, पहले बजा के दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो कहिएगा कि फेक वीडियो है। देखिए ब्लूटूथ मोड देखिए बज गया। अब निकालते हैं प्लग और बैटरी से बजा के देखते हैं, बैटरी से तो कनेक्शन दिखाता हूँ कैसे बैटरी से बजाया जाता है बूफर को। देखिए सबसे पहले खोल देंगे हम, देखिए दोस्तों यही ट्रांसफार्मर है जिससे बजता है बूफर, ये 12012 है जो जो इसी से बजता है बूफर, ये पावर सप्लाई के लिए है ट्रांसफार्मर। तो इसको हटा देते हैं, देखिए दोस्तों मैं इस ट्रांसफार्मर के तार काट के हटा दिया हूँ और ट्रांसफार्मर को भी निकाल दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि ट्रांसफार्मर से बज रहा है, तो इसको निकाल के भी दिखा रहा हूँ, ट्रांसफार्मर को निकाल दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने ट्रांसफार्मर निकाल दिया हूँ, इस ट्रांसफार्मर से आगे देखना है वीडियो, तो इस ट्रांसफार्मर से बनाने वाला हूँ एक इन्वर्टर जो छोटा सही 2 एम्पियर का है, ट्रांसफार्मर 3 एम्पियर है, तो इससे बनाऊँगा इन्वर्टर। तो आगे वीडियो देखना है तो अगले वीडियो को देख लीजिएगा, इन्वर्टर का इसी ट्रांसफार्मर से बनाऊँगा। और देखिए ये इसमें का ट्रांसफार्मर निकाल दिया हूँ, अब इसको बैटरी से बजा के देखते हैं। तो सबसे पहले ये 3 तार है, ये 3 तार जो ट्रांसफार्मर के था, तो ये 12 वोल्ट का बैटरी है जिससे चला रहा हूँ। देखिए ये आवाज़ एकदम बिल्कुल कम आ रहा है, इस पर पूरा फुल साउंड है मेरा, आवाज़ बिल्कुल कम आ रहा है। तो ये 12 वोल्ट पे नहीं चलेगा क्योंकि टेरिया 2030 IC ये 24 वोल्ट पर चलता है, तो 12 वोल्ट पर नहीं चलेगा। पहली बार मैं भी ट्राई किया हूँ तो
मैं नहीं जानता था कि ये 24 वोल्ट पे टीडीए 2030 IC चाहे 2050 24 वोल्ट पे चलता है। वन तो हो जा रहा है, ब्लूटूथ वन हो जा रहा है, लेकिन आईसी में करंट उतना नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए। तो ये इसको चाहिए 24 वोल्ट। तो एक और बैटरी इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये 12 वोल्ट पे नहीं चलेगा क्योंकि टीडीए 2030 IC 24 वोल्ट पे चलते हैं, तो 24 वोल्ट पे ही चलेगा क्योंकि 12012 ट्रांसफार्मर भी 24 वोल्ट का होता है। एक 12 वोल्ट का होता है, एक 24 वोल्ट का होता है, तीन सिरा रहते हैं। जैसे दिखा देते हैं, जैसे देखिए यही जो है ये बार, ये बीच में जीरो होता है, ये है इस इधर से नापेंगे वोल्टेज तो 12 आएगा, और इधर से भी नापेंगे तो 12 आएगा, और इस दोनों को नापेंगे तो 24 वोल्ट आएगा। तो ये 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर है जो 12012 इसका कहते हैं, इसको कहते हैं 24 वोल्ट पे ही चलता है ये टीडीए 2030 IC का बोर्ड। देखिए दोस्तों, मेरे पास अब बना लिया हूँ 12 वोल्ट के, ये बैटरी एक बन गया 12 वोल्ट का, ये तो दोनों मिलाकर 24 वोल्ट हो जा रहा है। तो 24 वोल्ट दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा मीटर पे, बाईस वोल्ट है अभी। तो इससे चालू हो जाएगा हमारे ऊपर। पहले नंबर जो बीच वाला ट्रांसफार्मर के तार होगा वो बीच में जुटेगा, और जो अरियर या जो दोनों ट्रांसफार्मर के तार होगा वो दोनों एक प्लस एक माइनस में जुटेगा। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। ब्लूटूथ मोड, देखिए मेरा बजने लगा, तो कोई भी अति नहीं लगाया हूँ, आप देख सकते हैं। लाइट का तार कोई भी नहीं लगा है, बैटरी से बज रहा है, सिर्फ बैटरी से कनेक्शन दिया हूँ इसमें, देख सकते हैं सिर्फ बैटरी से कनेक्शन है। इसको हटा दे रहा हूँ, सिर्फ बैटरी से कनेक्शन दिया हूँ। बैटरी लो है, देखिए बज रहा है। देखिए दोस्तों, मैं तार दिखाना चाहता हूँ कि किस पॉइंट पर हम
जोड़ा हूँ, जो बारे जो ट्रांसफार्मर के तार है, जो ट्रांसफार्मर के तार यहाँ जुटेगा तीन गो, उसी पे मैं भी जोड़ा हूँ। और बीच वाला जो ब्लैक है वो ग्राउंड है, ये जो ना पॉजिटिव है, पॉजिटिव या निगेटिव है ये, ये ग्राउंड ये भी निगेटिव है, ये निगेटिव पे जाएगा। तो मैंने तार बाहर निकाल दिया हूँ, मैंने तार ये तीन तार बाहर निकाल दिया हूँ, जो 24 वोल्ट जुटेगा इसमें तो बुफर बजेगा। देखिए मैंने ट्रांसफार्मर भी नहीं है इसमें, इसमें ट्रांसफार्मर भी नहीं है, और डायरेक्ट बैटरी से बजा के दिखा रहा हूँ। तो पहले इसको कस देते हैं, सारे नट टाइट कर दिया हूँ। अब इसको बजाते हैं बैटरी से। देखिए दोस्तों, यही दो तार, यही तीन तार हैं जिससे मैं बैटरी में कनेक्ट करूँगा और बजने लगेगा। पहले सिरिंज में जोड़ लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ग्राउंड और तार होगा जो बीच में जुटेगा, ग्राउंड और तार बीच में जुटेगा, और ये दोनों प्लस माइनस, बैटरी से बज रहा है। फिर बैटरी लो हो गया, बैटरी लो हो गया। तो देखिए ऐसे ही बजता है बैटरी से बूफर, जो कनेक्शन भी बता दिया हूँ। सिंपल से करना है आपको, क्या जो तीन तार ट्रांसफार्मर के जुटा रहता है वो ब्रिज इलेक्ट्रीफाइड डायोड के पास, तो वही उसी में उसी तीन तार जो ट्रांसफार्मर के जुटा रहता है उसी में तीन तार निकाल देंगे बाहर, या फिर उसी में कनेक्ट कर देंगे। और बीच वाला ग्राउंड वाला हमेशा बीच में रहेगा, जो सिरिंज होगा ऐसे, जो प्लस माइनस में जुटेगा ये बैटरी, तो बीच वाला जो है ब्लैक ग्राउंड तो बीच में रहेगा, ये बीच में रहेगा, ये बीच में रहेगा।
ये प्लस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस पे रहेगा। तो ऐसे ही कनेक्शन करते हैं बैटरी से बजाने के लिए बूफर। तो अगला वीडियो देखना है इसी बूफर के ट्रांसफार्मर से इन्वर्टर बनाने वाला हूँ, जो अगला वीडियो आएगा कल, तो देखिएगा ज़रूर। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वीडियो को कर दीजिए, ताकि मोटिवेट मिले मुझे, ताकि और भी नया नया वीडियो अपलोड करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।